चल चित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। सारी सड़कें बनी पड़ी हैं। सड़कें तो बनी हैं हमारी भी। मकान बने हैं यहाँ पे? नहीं मकान तो बने हैं। नहीं मकान तो बने हैं। मकान तो बने हमारी गली की बात कर रहा हूँ मैं अपनी गली की बात कर रहा हूँ मैं सबकी नहीं कर रहा हूँ। अजी कोई साफ सफाई नहीं देख लो गंदगी आप ही देख लो कितनी बुरी हालत हो रही कस्बे की। हमारे कब्रिस्तानों में कम से कम 20 लाख की मट्टी पड़ी उसमें। उधर कब्रिस्तान डूब रहे इधर डूब रहे चारों तरफ पानी पानी नाले अटे पड़े। सीसीए में आपका स्वागत है। हम उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ में हैं और जिला मेरठ का ये लावड़ गांव है। हम लोग आज यहाँ ये मार्केट है ये बाजार है यहाँ हम लोग बातचीत करेंगे कि नगर पालिका चुनाव को लेकर क्या हलचल चल रही है। मैं आपको बता दूँ कि 11 मई को जिला मेरठ में वोट पड़ने हैं और यहाँ के क्षेत्रीय लोग हमारे साथ हैं। हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे चुनाव को लेकर क्या हलचल हो रही है। भाई क्या नाम दोस्त क्या नाम? साविज भाई चुनाव है आपके यहाँ क्या लग रहा है कैसा माहौल है? माहौल तो बढ़िया है मगर अभी तक तो सारे जीत रहे किसी को कुछ नहीं बता सकते। लेकिन थोड़ा सा रहती है टक्कर किन में रहेगी वैसे ज्यादा उम्मीद है इंशाल्लाह आ ही सकी ला ये भूल गया आ सके। किस पार्टी से है? मायावती वाली से। मैं दर्शकों को ये भी बता दूं कि लावड़ नगर पंचायत में भाजपा से भी चुनाव लड़ रहे हैं बसपा से भी आम आदमी से भी और कांग्रेस भी यहाँ चुनाव लड़ रही है। हम लोगों से बातचीत करेंगे। क्या नाम आपका? मिस्टर नौसाद। नौसाद भाई चुनाव है आपके यहाँ कैसा माहौल चल रहा है चुनाव को लेकर? चुनाव हाजी शकील के पक्ष में है। हाजी शकील ये किस पार्टी से है कैसे चुनाव लड़ रहे हैं? ये मायावती की पार्टी से है। ओवैसी साहब की? ना मायावती। मायावती हाँ जी। बसपा से है? हाँ जी। अच्छा तो क्या है कस्बे में सुविधाएं कैसी है? लंबी वोट से जीतेगा हाजी शकील। हाजी शकील हाँ जी। अच्छा और भी तो लोग हैं चुनाव में उनका क्या रहेगा? नहीं इनका तो नीचे आओगे सब नीचे आओगे। हाँ जी चलिए ये तो खैर चुनाव है। कस्बे की सुविधाएं कैसे है साफ सफाई कैसी रहती है आपके? नहीं वैसे तो बढ़िया साफ सुथरी है नाली सड़कें ये सब चीजें कैसी है? सब ठीक है। अच्छा तो 5 साल में कुछ काम हुआ कुछ ऐसा नया कुछ बना हो नगर पालिका की तरफ से? यहाँ अभी ऐसा तो हुआ नहीं कुछ। पीने के पानी की व्यवस्था है आपके रोड पे कहीं? हाँ जी नहीं यहाँ तो कुछ भी नहीं है। अच्छा एक भी टंकी नहीं लग रही। तो जैसे ये नाले हैं इनमें सफाई वगैरह होती रहती है? अब तो नहीं हो रही सफाई पहले हो रही थी भरे पड़े अब तो भरे पड़े। हाँ जी किसको देख रहे हैं चेयरमैन जो इस तरह की दिक्कत है? चेयरमैन तो क्या नाम है कुछ भी ना करा ठंडा था बहुत। क्या नाम भाई आपका? भाई मेरा नाम है मोहम्मद साहबेद। अच्छा क्या लग रहा है क्यों नहीं ये भाई कह रहे ये काम नहीं हुआ? अरे यार हमारी सड़क नहीं बनी अंदर की अभी तक जो हमारी गली चलो गांव की जो सड़कें हाँ अंदर गली में जो दिखाऊं चलो यार सारी सड़कें बनी पड़ी हैं। सड़कें तो बनी है हमारी भी। मकान बने हैं यहाँ पे? नहीं मकान तो बने हमारी गली की बात कर रहा हूँ चेयरमैन ने। नहीं मैं अपनी गली की बात कर रहा हूँ मैं सबकी नहीं कर रहा हूँ। मकान तो 800 बने ये तो बात सही कह रहे हैं। ऐसे कैसे मकान तो बने अब ये लोग कह रहे हैं अब नाली सफा नहीं हो रही। 14 मेंबर उसके खिलाफ थे लेकिन वो अकेले जीत के चला गया। चलिए कभी अंडर में था जब लो सफाई हो रही थी अब सफाई नहीं हो रही मैं गलत बोल रहा बताओ? चलिए अच्छा क्या क्या नाम है भाई साहब? वो अभी तक बनी नहीं। अच्छा चेयरमैन तो ऐसी और भी गलियां है गांव में और की नहीं मैं जिम्मेदारी ले रहा अपनी गली की बता रहा। क्या नाम आपका भाई? क्या नाम? मेरा मोहम्मद सावेज नाम है जी। सावेज भाई कैसा चुनाव चल रहा है? चुनाव बहुत बढ़िया चल रहा है यहाँ माहौल बहुत अच्छा है। किसको बना रहे चेयरमैन? अरुण चेयरमैन होगा जी जो पहले चेयरमैन है। पहले चेयरमैन जी तो ये किसी पार्टी से या निर्दलीय? ये निर्दलीय है जी। निर्दलीय है। अच्छा आप कुछ काम बताइए चेयरमैन साहब के जो 5 सालों में हुए हों? 5 सालों में गया 3 साल में लगाओ ना क्योंकि उसमें 2 साल तो लॉकडाउन के भी है ना। अच्छा 3 साल में जो है इन्होंने 800 तो मकान बनाए हैं ठीक है जी और सबकी सड़कें करी हैं सही बढ़िया और पानी की सुविधा बढ़िया पहुंच रही है सबके घर में और इससे ज़्यादा क्या चाहिए हम? साफ सफाई का एक बड़ा साफ सफाई भी बहुत बढ़िया है यहाँ पे सुबह 3 टाइम आते हैं यहाँ पे झाड़ू लगाने वाले। चलिए और भी कई सुविधाएँ होती है जैसे पार्क वगैरह स्टेडियम वगैरह इस तरह की चीज़ें हुई है अभी? नहीं यहाँ पे जो अभी ज़मीन जो बिखरी पड़ी है सरकारी उसकी वजह से हो नहीं सकती। तो आप जैसे नौजवान हैं आपके लिए खेल का मैदान ऐसी व्यवस्था या आप अपने चेयरमैन से उम्मीद करते हैं ऐसी? नहीं उम्मीद है वे इस चीज़ में लगे पड़े हैं गरीबी की वजह से लग रहे हैं क्योंकि चाह रहे हैं कि यहाँ पे फैक्ट्री भी हो गरीबी दूर हो इस चीज़ में है उनका योगदान। और भी जैसे कई सारे उम्मीदवार मैदान में हैं उनका कैसे आप देख रहे हैं? चलिए हाजी साहब तो रहेंगे
नहीं, इनका तो कुछ ना है, ये जो कैंडिडेट हैं इनमें कुछ दम नहीं है, इनमें जो है महकार सैनी है और हारून चेयरमैन है, इन दो का किन में रहेगी, महकार में और हारून में। अच्छा, ये निर्दलीय है या पार्टी से किसी? ये दोनों निर्दलीय हैं जी। मेरा नाम मोहम्मद राशिद है जी। राशिद साहब जी, जी क्या लग रहा है, किसको चेयरमैन आप बना रहे हैं इस बार? चेयरमैन बनाना चाह रहे हैं जी, वसीम मुखिया चेयरमैन बने। ये गरीब कैंडिडेट है बेचारा, 15 साल से उसने यहाँ मेहनत कर रहा है बेचारा। तो किसी पार्टी से है? झाड़ू झाड़ू वाले आम आदमी पार्टी। जी जी जी, आम आदमी पार्टी से। काम भी बहुत बढ़िया कर रहे हैं केजरीवाल साहब हमारे, तो ये इसलिए गरीब कैंडिडेट है वो बेचारा, उसके साथ देने के लिए हम तैयार हैं। हम चाहते हैं कि वो वसीम मुखिया यहाँ का चेयरमैन बने। और भी उम्मीदवार है बहुत सारे? हाँ, बहुत सारे उम्मीदवार, बड़ी बड़ी पार्टियों से। जी 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 जी, सब बड़े बड़े आदमी लड़ रहे हैं, हम तो गरीब के साथ में हैं। तो आप लोग पार्टी देखते हैं, उम्मीदवार देखते हैं? हम उम्मीदवार देख रहे हैं जी इस वक्त, तो हमारा गरीब कैंडिडेट खड़ा हुआ है उसको देख रहे हैं हम। जी जी, कस्बे की सुविधाएं कैसी है यहाँ? 5 सालों में 10 सालों में काम कैसा? तो हाल ही है कि बस नाले बंद पड़े, हमारा नाला बनना था, हमारा नाला नहीं बनाया उन्होंने आज तक भी, ऐसी सुविधा दे रखी। आपका क्या नाम भाई? मोहम्मद नवेद। नवेद भाई, क्या है साफ सफाई की क्या व्यवस्था है? अजी कोई साफ सफाई नहीं, देख लो गंदगी, आप ही देख लो कितनी बुरी हालत हो रही कस्बे की। अगर ये झाड़ू आ जाएगी यहाँ को फिरेगी झाड़ू, तो हम तो इससे खुश हैं। जो तो दिल्ली केजरीवाल ने का रखा सफाई, और पानी फ्री बिजली फ्री, जो हम चाह रहे हैं यहाँ भी झाड़ू आवे। हाँ जी, यहाँ ऐसी सुविधा ही नहीं है? कोई सुविधा नहीं है, ना सफाई की, ना खड़ोंजे किसी तरह की, कोई सफाई नहीं है। गाँव की सड़कें कैसी अंदर कस्बे की सड़क? बस कोई बन गई है, कोई नहीं पड़ी। क्या नाम? कितने बजे होगा? नहीं भाई, क्या क्या बरसात में क्या हाल होता है? 12 बजे आएगी दिन में 12 बजे, और यहाँ इतने पानी में गली में निकल जाए। अच्छा, तो निकासी नहीं होती पानी का, है नहीं कोई जुगाड़। अच्छा, और भी पार्टियां चुनाव लड़ रही है, उनका क्या रहेगा, उनका कैसे देख रहे हैं? और कोई भी भाजपा से भी है, जैसे सरकार है ऊपर भी नीचे भी, और तो कोई भी हो गया, लेकिन जो वो था वो नहीं होगा जो पहले वाला था। उसका साथ काम नहीं किया कुछ, काम नहीं किया कुछ, पास नहीं है। पब्लिक खिलाफ है, पब्लिक नाराज है, पब्लिक पब्लिक नाराज है जी। बड़े भैया नमस्कार, क्या नाम आपका? इरफान। इरफान भाई, क्या लग रहा है चुनाव है, किस तरह देख रहे हैं? देखो जी, चुनाव के हालात तो बहुत बढ़िया थे, किसी के उसे पड़े पार्टी के, मगर 3 दिन में हमारे मुखिया भाई ने चुनाव पलट दिया। चुनाव पलट जाएगा? हाँ जी, पलट दिया, पलट जाएगा, नहीं पलट दिया तो किस? आज देखो तुम आप उसकी रैली, उसकी पब्लिक उसके साथ कितनी जुड़ी हुई है, गरीब परिवार से बेचारा, वो हाथ जोड़ जोड़ के भीख मांग मांग के वोट मांग रहा था। आम आदमी से जो लड़ रहे हैं, क्या नाम उनका वैसे? नाम क्या है? वसीम। वसीम, वसीम मुखिया। तो कस्बे की सुविधाएं कैसी है, किस तरह की चीजें हैं? हम 5 साल हम मेंबर भी, हम भी रह गए, इतनी बढ़िया सफाई हो रही है, इतनी बढ़िया सफाई हो रही है जी, कस्बे में घूम कर देखो जी, क्या कहिए, हमारे चेयरमैन ने इतनी बढ़िया सफाई करी, जब डूब मरने को जगह नहीं है। अच्छा, तो पानी भर जाता है? बहुत पानी भर जाता है, बहुत नाले आटे पड़े ज्यादा खूब होता है। तो आप किस तरह की सुविधाएं चाहते हैं कस्बे में? एक दो काम बताइए ऐसा। साफ सफाई हो, काम होना चाहिए, पब्लिक क्या चाहती है, काम ही तो चाहिए, और तो पूरी सफाई चाहिए, काम चाहिए। बड़े भैया, क्या नाम आपका? मोहम्मद अख्तर अंसारी। साहब, क्या लग रहा है चुनाव में, क्या लग रहा है? ये अभी तो कोई नहीं पता किसका चुनाव कहाँ जावे खाने, अभी तो बहुत सारे कैंडिडेट हैं, कैंडिडेट 12 हो रहे हैं। अच्छा, अब 12 में से पता नहीं अल्लाह ताला किसे जीते। तो दो चीज, दो पक्ष तो हो ही जाते हैं आखिरी में आते आते। नहीं, वो तो हो, अभी कोई पता नहीं, कोई किसी का पलड़ेगा, कल को पता लगेगा असल भारी कौन है, सबके वे होंगे रोड शो। अब देखो पब्लिक क्या पता, सबके साथ ही भागे। 3 दिन में मुखिया मुखिया हो रही है पब्लिक, तो ऐसे वो कर रही है आज के टाइम में, सबके साथ ही निकल जाए। तो आप क्या चाहते हैं भाई, लोगों के मुद्दों पर चुनाव हो या कैसे? लोगों के मुद्दे पर ही चुनाव होना चाहिए, सही मायने में बात है। लेकिन कई बार कई तरह के लालच प्रबोलन दिए जाते हैं, कई तरह की लालच कुछ नहीं, कस्बा डूबने को तैयार है। हमारे कब्रिस्तानों में कम से कम 20 लाख की मिट्टी पड़ी, उसमें उधर कब्रिस्तान डूब रहे, इधर डूब रहे, चारों तरफ पानी नाले अटे पड़े, कुछ भी तो नहीं विकास, यहाँ काम नहीं हुए पिछले 5 सालों में, कुछ नहीं हुआ। तो इस बार क्या चाह रहे हैं, बदलाव चाह रहे हैं? बदलाव होगा जी इंशाल्लाह आपका। बड़े मियाँ, क्या नाम? नाम खालिद। खालिद जी, क्या लग रहा है चुनाव में, किस तरह का माहौल है लाहौड़ गाँव? आम आदमी सरकार चाह रही है जी लाहौड़ में। आम आदमी की? हाँ जी। और भी तो पार्टियां हैं ना, सब खत्म है। अच्छा, काम नहीं किए कुछ यहाँ लोगों ने? ना किसी ने कदा दी। क्या नाम? अच्छा जी, आश मोहम्मद अंसारी। मोहम्मद साहब, क्या लग रहा है, ऐसा ऐसे कोई काम बताइए कस्बे के लिए जो होने चाहिए आम आदमी के लिए, जैसे चुनाव है, ये मुद्दे रखने वाली अब समय है, रखने वाला समय है। एक तो पानी की समस्या है, झोड़ की पानी का निकाल नहीं है सबसे पहले समस्या, तो एक मंडी नहीं, मंडी नहीं है, तो कैसे होता है फिर? कोई सुनवाई नहीं,
शहर की सड़कें वगैरह कैसी है? सड़कें तो सही है, पानी की सुविधाएं, पानी की सुविधा सही है, सफाई सही है, किसी बात के ऊपर देखिए पानी की समस्या, पानी का निकालनी है कस्बे का कहीं भी। जी भाई साहब, क्या नाम आपका? नदीम। नदीम भाई, चुनाव है नगर पालिका जी, क्या माहौल है आपके नगर पंचायत में? माहौल अच्छा है जी, बहुत। किस तरह से देख रहे हैं, क्या चीज़ें चल रही है अभी? बस बदलाव है जी, अब क्या बदलाव होना है, विकास नहीं हुआ पूरे 5 साल बिल्कुल भी। तो काम नहीं हुए ऐसे, कोई जनता के काम नहीं हुए? कुछ नहीं हुआ। क्या देख रहे हैं चेयरमैन ही चेहरा किसको देख रहे हैं? झाड़ू, झाड़ू, आम आदमी पार्टी, वसीम मुखिया। हाँ जी। अच्छा, क्या नाम, कौन है, कौन उठ रहे हैं इस बार? वसीम मुखिया। वसीम मुखिया जी, तो क्या एजेंडा है वसीम मुखिया, मतलब क्या काम क्या चाहते हैं, किस तरह के प्लान है, आप क्या चाहते हैं, किस तरह के काम होने चाहिए? एक तो यहाँ पे विकास, विकास नहीं हुआ, विकास होएगा, पानी की बहुत बड़ी समस्या है, सारे में पानी पानी भरा पड़ा पूरे कस्बे में। आम आदमी ने दिल्ली में भी काम करा, यहाँ भी करके दिखावेगी। लेकिन और भी कई सारी राजनीतिक पार्टियां चुनाव में हैं, उनको आप कैसे देखते हैं? वो भी तो नहीं, अभी चुनाव लड़ रहे हैं, सबका अपना अपना एक हुआ है, सब चुनाव लड़ रहे हैं, सब अच्छे तरीके से लड़ रहे हैं, पर आम आदमी जीतेगी यहाँ पे। अच्छा, आम आदमी। हाँ जी। चलिए एक चीज़ एक और बताइए, कई बार लोग उम्मीदवार देखते हैं आप या पार्टी देखते हैं? उम्मीदवार जी। उम्मीदवार, किस तरह की आप अपेक्षा करते हैं अपने उम्मीदवार से, किस तरह के काम? अच्छा जी, पूरे कस्बे में सर्वे कर लो, अगर कोई भी इसी उम्मीदवार को यो कहता है इसके अंदर कोई कमी है, जो चाहे वो इलाज, ऐसा उम्मीदवार पूरे कस्बे में नहीं मिलने का, इतना सज्जन आदमी। तो आपके कस्बे में जो नगर पालिका के काम होते हैं, जो जनता की समस्या होती है, बिजली की समस्या, पानी या साफ सफाई या फिर कोई पार्क, स्टेडियम, इस तरह की व्यवस्था है कोई? कुछ भी नहीं है। तो आप चाहते हैं आपके उसमें होंगे? हाँ जी बिल्कुल चाहते हैं। तो जनता की भलाई के लिए कोई एक काम बताइए कि कस्बे में होना चाहिए, जैसे मैं देख रहा हूँ कहीं पानी पीने की, पानी की निकासी चाहिए सबसे पहले, पानी की सबसे बड़ी समस्या है कस्बे के अंदर, पूरा कस्बे में टंकी आती है, सारे में पानी भर जाता है, बुरी हालत है, वो सबसे मेन बात है पानी की समस्या। यहाँ 20-25 साल से कुछ नहीं हो रहा, यहाँ सबको देख लिया, बदलाव चाह रहे हैं, बदलाव चाह रहे जी बिल्कुल। चलिए ठीक है, हम मेरठ जिले में थे और मेरठ जिले का ये लावड़ गांव है, नगर पंचायत है ये, हमने यहाँ के आम लोगों से बातचीत की और जानने की कोशिश की नगर पंचायत चुनाव को लेकर क्या माहौल है। लोगों का मानना है कि जनता इस बार बदलाव चाहती है। जुड़े रहे सीसीए से, उत्तर प्रदेश तक आपको खबरें आती रहेगी। धन्यवाद। चलिए ठीक है भाई।